और छीने में इतने सारे चींटी घुस गई। ये तो चींटियों वाला हलवा बन जाना। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आज है मंडे और आज हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गए। आज उठ गए थे हम लगभग 5:30 बजे। तो क्योंकि कुछ काम था इसलिए। और अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। और आज मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ हलवा, क्योंकि लगभग बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हलवा खाए हुए, तो आज मन भी कर रहा था। तो सोचा आज अच्छी शुरुआत करिए सुबह जल्दी उठ के, तो अच्छी शुरुआत मीठे के साथ करते हैं। तो अभी मैं बनाती हूँ हलवा, तो चलो चलते हैं मिलके। पहले सूजी को रोस्ट कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ सूजी को रोस्ट और फिर बनाएंगे हलवा। हलवा बनाने के लिए चीनी निकाली और चीनी में इतनी सारी चींटी घुस गई। हमारे यहाँ से बोलते हैं कि चीनी में जैसे लौंग डाल के रखो तो चींटियाँ नहीं आती हैं, लेकिन आजकल की चींटियों ने लौंग का रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, तो अब लौंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कोई नुस्खा है जिससे सामान में चींटियाँ ना घुसे तो प्लीज शेयर करना कमेंट में। नहीं अभी फिलहाल मेरा पानी गया है खौल और अब मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी चाशनी रेडी हो गई थी। चाशनी में मैंने थोड़ी सी इलायची भी डाल दी थी, क्योंकि इलायची का फ्लेवर हलवे में बहुत अच्छा आता है। और जो सूजी मैंने रोस्ट करके अलग से रखी थी वो भी मैंने अच्छे से डाल दी चाशनी में और मिक्स करके थोड़ी देर ढक के रख दिया। फिर मेरा हलवा हो गया अच्छी तरीके से रेडी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैं ड्राई फ्रूट्स हमेशा लास्ट में डालती हूँ ताकि क्रंचीनेस बनी रहे। और फिर मैंने ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी और डाल दिया, क्योंकि हलवे में तो घी अच्छा ही लगता है। हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है और मैंने अभी सर्व कर दिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है हलवा। और चीनी में तो चींटियाँ आ गई थी, तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने बड़ी प्लेट में चीनी डाल के फिर चींटियाँ निकाली, वरना ये तो चींटियों वाला हलवा बन जाना था। ये भगवान क्या जुलूम है। पर फाइनली नहीं बना है, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा हलवा और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई गाइस, क्योंकि हम दोनों की तबीयत थोड़ी अच्छी सी नहीं लग रही थी। तो शाम को हम गए थोड़े से फ्रूट्स लेने और मेडिसिन वगैरह भी लेने गए थे, तो हमें फ्रूट्स भी मिल गए और मेडिसिन भी लेके फिर हम घर आ गए। तो फ्रेंड्स, उस दिन दवाई लेने के बाद फिर मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी हमारी भी। तो फिर हिम्मत तो बिल्कुल थी नहीं, वायरल इतना फैला हुआ है यहाँ पे। और आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सेफ रहिएगा, मास्क लगाइए और सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए। हम लोगों ने लापरवाही करी इसलिए हमें भी वायरल हो गया था। और फिर उसके बाद ना मैं आ गई हूँ अपने घर यानी मेरे मायके, क्योंकि मेरे पापा जी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी एकदम से अचानक से। तो डॉक्टर ने उन्हें मतलब बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ उनके पास। बट अभी मेरे पापा जी ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तबीयत हो गई उनकी। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं मार्केट। मार्केट में हमें लेनी है थोड़ी बहुत कुछ सब्जियाँ, और मार्केट जा ही रहे तो थोड़ा बहुत कुछ खा पी के पेट पूजा करके आ ही जाएंगे। तो चलो चलते हैं मार्केट। तो जी, फिर हम आ गए हैं पॉपुलर फ्रेश मोमोज एंड मोर वाले के यहाँ। यहाँ पे मोमोज के साथ साथ और भी चीज़ें हैं, और इवन यहाँ का बर्गर भी काफ़ी अच्छा है। मैंने मेरी सिस्टर के साथ यहाँ पे पहले बर्गर खाया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लगा था हमें। मीनवाइल मैं कंफ्यूज होते होते अपना ऑर्डर दे ही रही हूँ, तो साथ में आपको यहाँ का इंटीरियर भी दिखा ही देती हूँ। मैंने यहाँ के इंटीरियर में काफ़ी फंकीनेस और काफ़ी स्टाइलिश चीज़ें ऐड की हुई है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। A few moments later. So finally we got our order. मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग ही ऑर्डर करूंगी, बट फाइनली मैंने मोमोज ही ऑर्डर कर दिए। मोमोज काफ़ी बड़े थे साइज में और फिलिंग भी इन्होंने काफ़ी अच्छी दी हुई थी, और फिलिंग भी जूसी थी और आउटर शेल भी जो इसका था काफ़ी अच्छा था, और टेस्ट में तो ये अच्छा है ही बहुत। फ्रेंड्स, आ गए हम घर जहाँ से हम लोगों ने सब्जी ली ना, वहाँ मैं कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग मतलब मुश्किल से सब्जी ले पा रहे थे, पूरी रोड में ट्रैफिक हो गया था। तो अभी मैं बनाऊंगी खाना, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो चलो चलते हैं खाना बनाते हैं। हेलो
तो फ्रेंड्स, बन चुका है हमारा डिनर। आज मैंने बनाया है मूंग दाल के साथ दलिया तड़के वाला, और ऊपर से घी डाला है। तो अब हम फटाफट से डिनर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा 2 से 3 दिन का ब्लॉग। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, एंड कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करोगे तो। और आपका एक एक सब्सक्राइब भी मेरा बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। और जब तक ये ब्लॉग अपलोड होगा तब तक ऑलरेडी मेरे 250 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। तो थैंक यू टू यू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत 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 थैंक यू। तो अभी जैसे हमारे नए नए फेस्टिवल्स अभी आने वाले हैं, नवरात्रि है, दशहरा है, करवा चौथ है, दिवाली एंड सो ऑन, तो मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सोच के रखा है नवरात्रि और करवा चौथ वगैरह के लिए, तो उसके ब्लॉग्स भी जल्दी आएंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और तब तक के लिए बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।